अब मैं हॉस्टल से निकल गया हूँ और एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। यहाँ से तो मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी। अब मैं जा रहा हूँ अनुराधापुरा जाने के लिए, जो मरकज़ी स्टेशन है कोलंबो फोर्ट, वहाँ पर। और वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये श्रीलंका कोलंबो के नज़ारे आप देख सकते हैं। स्टेशन पहुँच गया और इधर से टिकट लेता हूँ अनुराधापुरा के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और अब मैं प्लेटफॉर्म पर समझ नहीं आ रही कि ट्रेन कहाँ से। टिकट तो मैंने ले लिया, अभी देखते हैं। अनुराधापुरा का टिकट मैंने ले चुका हूँ, ये ट्रेन कहाँ से मिलेगी। ट्रेन कोलंबो से निकल चुकी है और अनुराधा की तरफ हम जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी, ग्रीनरी, और ये बैठी हुई हैं एक मोहतरमा पिटीना जिनका ताल्लुक है रोमानिया से। एंड 5 घंटे का सफ़र होगा ये। कोलंबो से अनुराधा, यह है श्रीलंकन ट्रेन की सूरत हाल। बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है और खड़े होकर सफ़र करना पड़ रहा है। अभी हम अनुराधा की तरफ जा रहे हैं और ट्रेन में सीट्स नहीं मिली तो दरवाजे में खड़े होकर सफ़र करना पड़ रहा है। बट टू पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, लेट्स एंजॉय। एक रेलवे स्टेशन है
रहा हूँ राधापुरा के रास्ते में, और यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई है, तो पता नहीं कब चलेगी। ये ट्रेन जा रही है कोलंबो से अनुराधापुरा, आगे एक स्टेशन आ रहा है, शायद वहाँ पर रुके, जगह बिल्कुल नहीं है, खड़े होकर सफ़र कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। अभी अनुराधा की पूरा की तरफ रवाना है, रवा दवा है गाड़ी, और कोई 20-25 मिनट का सफ़र बाकी है, कोई गालबन 35 किलोमीटर बाकी हैं, लेकिन जितना भी सफ़र अभी तक किया है तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे से खड़े होकर ही किया है, क्योंकि ओवर क्राउडेड की वजह से बिल्कुल कोई नशस्त अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप ट्रेन में कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, ख़ासतौर पर श्रीलंका में, तो आप कोशिश करें या तो जहां से शुरू होती है, स्टार्ट पॉइंट है, वहां से बैठें ट्रेन में, या बहुत अर्ली जो ट्रेन होती है यानी सुबह सुबह की जो ट्रेन है, पहली ट्रेन या दूसरी ट्रेन, उसमें बैठें ताकि आपको सीट मिल सके, नहीं तो फिर हमारी तरह मेरी तरह खड़ा होकर सफ़र करना पड़ेगा आपको, तो उसमें इतना इन्जॉय आप नहीं कर सकेंगे। तो अभी 25 मिनट बाद देखते हैं कि श्रीलंका पहुंच कर क्या होता है। वहाँ पे एक काउच सर्फर है, उसने रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट की थी, लेकिन बाद में उसने मैसेज किया कि मैं 500 श्रीलंकन रुपीज़ तकरीबन कोई $3 के करीब बनते हैं, मैं आपसे फ़ीस लेना चाहूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है, दैट्स ओके। अभी देखते हैं कि वहाँ पर पहुँच के फिर मैं उससे रब्ता करूँगा कि क्या बना। ओके, समझ नहीं आ रही है मिलेगा कहाँ से। अभी एक स्टेशन के करीब गाड़ी रुकी है, जय गंगा नाम है इसका, और यहाँ पे मुश्किल से सीट मिली। अब यहाँ से सिर्फ कोई आधे घंटे का सफ़र होगा, तो आधे घंटे में कोशिश करूँगा कि थकन मेरी कुछ उतर जाए, इतनी देर में खड़ा रहूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन में भी रश कम हो गया, और ये ट्रेन के बिल्कुल पैरेलल एक रोड जा रही हो गया, आपको तो दिखाता हूँ ट्रेन के पैरेलल। पूरा रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और अब बाहर निकलना है मैंने, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं उसको मैसेज कर दूँ एक दोस्त को कि मैं यहां पहुंच गया हूं। अभी यहां
अनुराधापुरा स्टेशन पर बैठा हूँ। तो काउच सर्फर जो है उसने मुझे अभी कॉल की और उसने कहा कि मैं एक टैक्सी भेज रहा हूँ और उसका नंबर भी आपको भेजता हूँ, तो 5 मिनट में वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, रिस्क ले लेते हैं अल्लाह मालिक है क्या होगा, देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।